नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी साहित्य से हम फिर से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी लेकर आए हैं आज, और 1680 प्रश्न अभी तक हम जितनी भी वीडियो श्रृंखला लाए हैं उसमें करवा चुके हैं, और 1720 क्वेश्चन हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के समाप्त होते ही। तो भाग 35 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपने भाग 34 तक हमारी वीडियोस नहीं देखी तो कृपया देख लीजिए, ठीक है, और उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, बकायदा प्लेलिस्ट भी हमने बनाई हुई है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़िए। स्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे उकलाते हैं, माँ की हड्डियों से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बताते हैं। दिल को छू जाने वाली पंक्तियाँ किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या दिनकर जी? बताइए साथियों कौन सा सही उत्तर होने वाला है। बहुत प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, एंटी जूचना कितनी बार आ चुकी हैं, और अन्य जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनके जो हिंदी पेपर होते हैं, हिंदी साहित्य से जुड़ी परीक्षाओं, वहाँ भी जो प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। तो बताइए साथी कौन सा सही लग रहा है। बिल्कुल साथी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं, उनकी कविता हुंकार, ठीक है, हुंकार कविता ऐसे है। साथियों आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न है साथियों आपके सामने। बाप बेटा भेजता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, पंक्ति है किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या दिनकर? साथियों बताइए, यह पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है जी। साथियों बाप बेटा भेजता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर जी। साथियों बताए साथियों कौन सा सही उत्तर होगा। जी हाँ, ए ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्ति है ये, ठीक है, और यह पंक्ति उनके बंगाल का अकाल, ठीक है, बंगाल का अकाल उनकी एक कविता है बंगाल का अकाल, उसमें से अवतरित की गई है। और साथियों ये आपको बताऊं कि यह कवि प्रगतिवादी दृष्टिकोण के कवि हैं, और बंगाल का अकाल कविता में से ली गई है ये पंक्तियाँ। और साथियों ये भी बता देते हैं, बंगाल का अकाल ये हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य संग्रह भी है, ठीक है, उससे मत समझ लेना। ये बंगाल का अकाल केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, ठीक है, उससे जो पंक्तियाँ हैं। बिल्कुल बंगाल में जो अकाल आया था 1940 के करीब, भयंकर भुखमरी फैली थी, और जितना भी गेहूँ वगैरह था, आदेश में अनाज था, वो उस वक्त दूसरे विश्व युद्ध में चला गया था, और अंग्रेज़ बहुत चलाक थे, और हमारे देश की अपनी जनता जो जिन्होंने अनाज वगैरह उपजा था वो उनको खाने को नहीं मिला, तो मतलब ऐसी थी अंग्रेज सरकार, ठीक है। आगे आगे साथियों, तृतीय प्रश्न है। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह, दिनकर, मुक्तिबोध, गणपति चंद्रगुप्त? त्रिलोचन बहुत अच्छे कवि हैं साथियों, ये भी प्रगतिवादी दृष्टिकोण के कवि माने जाते हैं हालांकि, और साथ में किसानों के लिए बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। अवध का किसान किसने कहा त्रिलोचन को? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी निवाजा जा चुका है इनको। बिल्कुल साथियों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध सही उत्तर आएगा। साथियों आगे चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के रचनाकार कौन है? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन? बताएं साथियों, बताइए ए बी सी डी कौन सा उत्तर आपको सही लग रहा है। यहाँ जी साथियों बताएं, ये बिल्कुल साथियों मेरे फेवरेट कवि शिवमंगल सिंह सुमन, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, क्या कविता है साथियों, बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। हम पक्षियों के बारे में बात हुई है, लेकिन जी बच्चों के बारे में भी बात हुई है, हम इंसानों के बारे में भी बात हुई है, ठीक है, आज़ाद रहना बहुत अच्छी बात है, और जब आप आज़ाद हैं तो अपने लक्ष्यों को जरूर छूइए। आगे साथियों पाँचवा प्रश्न है, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यह बताना है आपने, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। साथियों मैं बार बार बोलता हूँ, जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, भारत भारती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, ठीक है, ऐसे जो पुरस्कार हैं, इस
जो जीते हुए जिन लोगों ने, जिन महान कवियों ने हिंदी में, ठीक है, तो आप जरूर उनके नाम याद करिए, उनकी कृतियों को याद करिए। तो बताइए यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा नहीं है, मतलब किस रचना को नहीं मिला है? बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कला और बूढ़ा चांझे पंत जी की रचना है, काव्य संग्रह है, और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। बाकी तो आप जानते ही होंगे। छठा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत कृत जुगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रकृतिवादी काव्य माना है। तो पांचवा छठा प्रश्न है साथियों, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है जुगवाणी, उसको खड़ी बोली का प्रथम प्रकृतिवादी काव्य किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र बच्चन सिंह या गणपति चंद्रगुप्त? याद रखना है इस प्रश्न को, कभी भूलना नहीं है साथियों। बताएं क्या होगा सही उत्तर? जी छठे प्रश्न का तृतीय, तीसरा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चन सिंह ने माना है जुगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य। आगे चलते हैं साथियों, सातवां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए, प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है साथियों? बताइए, श्रीमंगल सिंह, सुमन नागार्जुन, निराला या दिनकर? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? ए बी सी डी, कौन सा सही लग रहा साथियों आपको? जी बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है। आगे साथियों, वालेंदु उपनाम से रचनाएं लिखते थे, प्रश्न थोड़े से संतुलित होंगे आज। वालेंदु उपनाम से कौन रचनाएं लिखते थे? शिवमंगल सिंह, सुमन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या रंगी राघव? चारों ही कवि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बताए साथियों। जी बिल्कुल साथियों, आठवें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वह आएगा सी, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है, वालेंदु उपनाम से रचनाएं लिखा करते थे। आगे साथियों, ये तो प्रश्न आपको बताएं कि बहुत आसान, जो कि आपने पढ़ा ही होगा। संतन को कहा सी कृषो काम, आवत जात परिहा टूटी बिसरी गयो हरि नाम। तो बताइए यह पंक्ति किसकी है? कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास या कृष्णदास? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक साथियों। जी बिल्कुल सही, जैसे प्रश्न पढ़ा आपको आता था ये उत्तर, कुंभनदास की पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही साथियों। दसवें प्रश्न पर चलते हैं, दसवां प्रश्न ध्यान से देखिएगा इसको। जी हाँ, ध्यान से देखिए, छोटा कर दे ताकि पूरा फिट हो जाए स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस रचना को शायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना को शायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? लहर, आंसू, चित्राधार या चित्राधर या फिर झरना? बताएं साथियों, कौन सा विकल्प यहाँ आपको सही लग रहा है? जी साथियों, जी बिल्कुल सही साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, झरना। आगे चलते हैं हमारे ग्यारहवें प्रश्न पर, हरगंगा कविता, हरगंग कविता किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या अंबिका दत्त व्यास? जी साथियों, जी बिल्कुल बिल्कुल सही साथियों, प्रताप नारायण मिश्र के साथियों। आगे चलते हैं हमारे बारहवें प्रश्न पर, इसको देखिए ध्यान से, किस प्रसिद्ध उपन्यास को कतिपय विद्वानों ने असंतोष का खटराव और महाऊब का महाउपन्यास की संज्ञा दी? बताइए, किस प्रसिद्ध उपन्यास को कतिपय, कतिपय मतलब होता है कुछ विद्वानों ने असंतोष का खटराव और महाऊब का महाउपन्यास की संज्ञा दी? किस उपन्यास को साथियों? कतिपय कुछ, अतिशय अधिक, ठीक है ना, कतिपय होता है ना, इसका उलट होता है अतिशय। आपने ये प्रश्न बहुत बार, माफ करिएगा, ये शब्द बहुत बार सुना होगा, तो मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं आपको। कतिपय का अर्थ कुछ विद्वानों ने असंतोष का खटराव और महाऊब का महा उपन्यास माना है। एक उपन्यास को कौन सा है वो? करु करु स्वाहा, जी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास, आगे है राग दरबारी, जी पता ही होगा शिवलाल शुक्ल, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, जिंदगी नामा, कृष्णा सोक्ति। जी बताइए, चारों विकल्पों में से किस उपन्यास को असंतोष का खटराव और महाऊब का महाउपन्यास माना जाता है? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राग दरबारी, ठीक है, एक
ऐसे विद्यालयों में महाविद्यालयों में साथ ही एक कूटनीतिक चालें चली जाती हैं ना, पॉलिटिक्स जिसे हम बोलते हैं। और अगर आप नौकरी वगैरह करते तो आपको पता होगा कि ऑफिस या कार्यालयों में किस प्रकार की पॉलिटिक्स होती है, बस उसी में ये भी आ जाता है। यह उपन्यास भी बहुत अच्छा उपन्यास है साथियों। मतलब इस उपन्यास को पढ़ने से आपको कुछ सीखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको व्यवस्था के बारे में पता चलेगा कि कैसे टैलेंट की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी, लेकिन कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यही कहा गया कि असंतोष का खटराग है और महाऊब का उपन्यास है। मतलब अंत में हम सोचते हैं कि क्या मिला पढ़कर, लेकिन व्यवस्था जो तब थी 1960 और 1980 के बीच में और आज भी वही व्यवस्था हमें देखने को मिल जाती है महाविद्यालयों में, उसका इसमें ये कह मेरा मन पसंदीदा उपन्यास है। बार बार पढ़ता हूँ इसे, कुछ पात्र ही इस प्रकार से हैं साथी। श्रीलाल शुक्ल की लेखनी अत्यंत दुर्लभ। आगे चलते हैं साथियों, 13वां प्रश्न है, मृदुला गर्ग को उनके किस उपन्यास के लिए गिरफ्तार किया गया था। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत हैं, ठीक है, उपन्यासों के लिए जानी जाती हैं। तुम बताइए उनके किस उपन्यास के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। मिलजुल मन, मैं और मैं, कठ गुलाब या चित्र कोबरा। ये थोड़ा हाई लेवल का DSSB TGT हिंदी और साथ में NTA जुलसीनेट हिंदी के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। बताएं साथियों, चलो कोई बात नहीं, बहुत कम लोगों को आता होगा, वैसे बता तो रहे हैं जी, डी ऑप्शन चित्त कोबरा के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। आगे साथियों, छायावाद को प्रवासी कवि की संज्ञा प्रदान की, किसने की, छायावादियों को, छायावाद के कवियों को प्रवासी कवि की संज्ञा प्रदान करने वाले कौन थे। रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र दिनकर या नंद दुलारे वाजपेयी। बताएं साथियों, 14वां प्रश्न, जी साथियों बिल्कुल सी ऑप्शन इधर राइट आंसर, दिनकर जी थे। आगे चलते हैं साथियों 15वें प्रश्न पर, कहनप्पा के गुरु कौन थे, कहनप्पा के गुरु कौन थे बताइए। सरप्पा, कुकरिप्पा, लुईप्पा या जलंधरप्पा। ये पहले भी प्रश्न ला चुके हैं, लेकिन हर बार बहुत सारे साथी हमारे गलत कर देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार वो प्रश्न लाएंगे जो आप सदैव गलत कर देते हो। जी साथियों, कहनप्पा के गुरु जो हैं वो जलंधरप्पा। आगे चलते हैं साथियों, 16वां प्रश्न है, किस विद्वान ने मिश्रबंधु विनोद को बड़ा भारी कवित संग्रह या प्राकंड कवित वृत्त संग्रह कहकर उल्लेख किया। बताइए किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवित संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर उल्लेख किया है। बताएं साथियों कौन सा सही होगा इस प्रश्न का उत्तर। जी साथियों बताइए, किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवित संग्रह और प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहकर उल्लेख किया। नागेंद्र शुक्ल जी, महावीर प्रसाद वेदी या हजारी प्रसाद वेदी। जी साथियों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी। आगे चलते साथियों 17वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नवीन आयाम किसने दिया। हिंदी कहानी को नवीन आयाम, एक नया आयाम, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक नया ओहदा, ठीक है, एक नई दिशा, एक नया प्लेटफॉर्म किसने दिया था। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम किसने दिया, जनेंद्र जशपाल, मोहन राकेश या राजेंद्र यादव। जी बिल्कुल सही साथी, जनेंद्र कुमार, ठीक है। जनेंद्र कुमार के कहानी संग्रह बहुत उत्कृष्टतम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इसे माना जाता है कि उनको ही प्रेमचंद के बाद ये माना जाता है कि हाँ उन्होंने हिंदी कहानी को नई दिशा दी। हाँ, लेकिन आप लोग कहेंगे कि हाँ आपने नाम नहीं लिया फणीश्वरनाथ रेणुका, वो तो नए प्रेमचंद माने जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, प्रेमचंद की कहानियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जिनेंद्र कुमार की हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए, उपेंद्रनाथ अशक पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच के कटघरे से निकाल कर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। यह कथन किस लोचक का है। फिर से प्रश्न ध्यान से पढ़िए साथियों, ठीक है। उपेंद्रनाथ अशक पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच के कटघरे से निकाल कर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, यह कथन बताना है किस लोचक का है। राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नागेंद्र या डी ऑप्शन नंदलाल वाजपेयी। बताए साथियों कौन सा सही लग रहा है आपको।
जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वह है रामबिलास शर्मा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि उपेंद्रनाथ अशोक पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध, मतलब जो आधुनिक जो घटनाएं हैं, ठीक है, संवेग हैं या जिस प्रकार के हालात हैं आज आम इंसान के, उसको सबसे सामने रखा। ठीक है, इस प्रकार के नाटक उनके हैं। आगे साथियों, निराला के बचपन का नाम यह तो पता होगा आपको, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। संतुलित, मैं हमेशा कहता हूँ संतुलित प्रश्न लाता हूँ मैं, बिल्कुल निराला, सूर्य कुमार, सूर्यकांत या फिर प्रकाश, बताएं साथियों कौन सा सही प्रश्न होने वाला, सही उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। सूर्यकांत तो नहीं है साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सूर्य कुमार। आगे साथियों चलते हैं 20वें प्रश्न पर। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानने वाले कवि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब, दुआब जानते हैं ना साथियों, दोआब मतलब दो दरिया या दो नदियों के बीच की धरती। पंजाब से अगर हैं आप तो बिल्कुल भली भांति आप जानते होंगे क्या होता है दोआब। तो उर्दू और हिंदी दो नदियां हैं, उसके बीच की धरती माना है अपने आप को किस कवि ने माना है, शमशेर बहादुर सिंह ने, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध, बताएं साथियों। जी बताइए, बिल्कुल सही साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, शमशेर बहादुर सिंह, जो पहले उर्दू में लिखा करते थे, बाद में बच्चन सिंह मतलब हरिवंश राय बच्चन जी से प्रभावित होकर हिंदी में भी लिखने लगे। बहुत बड़े फैन थे ये हरिवंश राय बच्चन जी के, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा लिखते हैं। आगे चलते हैं साथियों, नए बिंब प्रतीक उपमान से किस कविता के उपकरण बने, माफ़ करिएगा, नए बिंब प्रतीक उपमान किस कविता के उपकरण बने, प्रयोगवादी कविता, छायावादी कविता, भारतेंदु युग की कविता या द्वैती युगीन कविता, बताइए। यह प्रश्न एक प्रकार की विशेषताएं बता रहा है उस युग की। बिल्कुल आपने पढ़ा है, बिल्कुल हम प्रश्न पहले भी इससे संबंधित ला चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर और सरल प्रश्न बनाया गया है। जी हाँ, नए बिंब प्रतीक और उपमानों की जब बात होती है तो बिल्कुल प्रयोगवादी कवियों का नाम आता है साथियों, 21वें का ए ऑप्शन जिनका उत्तर है बिल्कुल सही, वेरी गुड। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न पर। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी हिंदी में, ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम एक संस्कृत का ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में बताया गया है, कुंतक आचार्य कुंतक जी का ये ग्रंथ है। तो इसकी भूमिका के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, जब कोई पुस्तक लिखी जाती है तो सबसे पहले भूमिका होती है, जो दो पेज की हो सकती है, चार पेज की हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है। तो भूमिका में उस पुस्तक के बारे में बताया जाता है और लिखने वाले जो उसके लिए सहयोग करते हैं उस पुस्तक को लिखने के लिए, उसमें ये जानकारी दी जाती है भूमिका में। तो बताइए हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका, हिंदी में जो पुस्तक है वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, जब वक्रोक्ति जीवित उसकी भूमिका किसने तैयार की थी, शुक्ल, हजारी प्रसाद, नागेंद्र या भारतेंदु। प्रश्न थोड़ा सा टफ मैं मानूंगा नेट लेवल का। बिल्कुल साथियों, जी हाँ जी, नागेंद्र ने की थी साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथी, जो प्रश्न जो नेट के आ जाते हैं या DSSB लेवल के आ जाते हैं, तो आप जो मैं सोचिए कि इसको नहीं पढ़ना है, मास्टर लेवल का ही सोचेंगे कई बार साथियों। आपको तो पता ही है कि बहुत वाइड प्रश्न भी पूछे जाते हैं मास्टर कैडर में, तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, जब वक्रोक्ति जीवित की बात हो रही, तो वक्रोक्ति तो एक प्रकार का संप्रदाय है और वक्रोक्ति अलंकार भी मास्टर कैडर में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये टच जरूर करता है प्रश्न। आगे साथियों, साकेत महाकाव्य की भाषा खड़ी बोली अवधि, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। बिल्कुल सही, वेरी गुड, खड़ी बोली। आगे चलते साथियों, 24वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। तुम विद्वत बन जाओ, माफ करेगा, तुम विद्वत या विद्युत, तुम विद्युत बन आओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर, बताइए। यह उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, महादेव वर्मा, मीरा,
श्री नरेश मेहता या लीलाधर जुगुड़ी। तुम विद्युत बन जाओ जब बनाओ पाहुन, मेरे नैनों पर पग धिर धर। जी जी साथियों, ये जो पंक्तियां हैं ये बिल्कुल महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं साथियों। और महादेवी वर्मा की किस कविता से ये पंक्ति ली गई है तो साथियों ये देख लीजिए, कविता का नाम है पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, ये कविता है पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, इस नाम से ये कविता है साथियों, ये पूरी की पूरी कविता है साथियों। ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसे शेयर कर दूंगा, याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट कविता है और नीरजा काव्य संग्रह से। ठीक है, इम्पोर्टेंट पंक्ति, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे, शुक्ल जी का यह कथन किसके लिए है? सूरदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी या नंददास। ये कवि होने के अलावा बहुत पक्के गवैये मतलब गायक भी माने जाते हैं, किसके लिए यह कथन दिया है? सूरदास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी या नंददास। चारों के चारों अष्टशाप के कवि, सभी के बारे में पढ़ना साथियों, तो सी ऑप्शन गोविंद स्वामी के बारे में ये मत दिया है शुक्ल जी ने। आगे चलते हैं हमारे 26वें प्रश्न पर, आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया था? नई कहानी, अकहानी, सक्रिय कहानी या सचेतन कहानी। एक सहज कहानी भी था और जनवादी कहानी भी था। ठीक है, दो आंदोलन हम सब के बारे में वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी साथियों जी। बिल्कुल साथियों, नई कहानी आया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 27वें प्रश्न पर, 27वां प्रश्न, अकेलेपन और भाव बोध के कवि माने जाते हैं, अकेलेपन और भाव बोध के कवि माने जाते हैं, माफ करिएगा, आत्मबोध, भावबोध नहीं आत्मबोध, मतलब जिनको स्वयं से ज्ञान मिला था, आत्मबोध। अकेलेपन और आत्मबोध के कवि माने जाते हैं कौन हैं? प्रपंत, निराला, अज्ञेय या मुक्तिबोध। ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपने कहीं ना कहीं पुस्तकों में जरूर पढ़ा होगा जी। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, मुक्तिबोध को अकेलेपन और आत्मबोध का कवि माना जाता है साथियों। अगला प्रश्न है, एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, क्या है प्रश्न? एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ, किसने कहा? पंत, निराला, प्रसाद या महादेवी वर्मा। स्कोर अपना गिनते जाइए जी साथियों। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा साथियों। आगे चलते हैं 29वां, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफ़ी। रुपया खा गया, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? बेनीपुरी, बी राम कुमार वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी अशक उपेंद्रनाथ अशक। बताइए, रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक कौन है? एकांकी, जी बिल्कुल साथियों, यह है भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी है साथियों। आगे चलते हैं, वाद विवाद संवाद जे आलोचनात्मक या समीक्षात्मक रचना किसकी है? वाद विवाद संवाद नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या नंदलाल वाजपेयी। बिल्कुल सही साथियों, वेरी गुड, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, डॉक्टर नामवर सिंह, वेरी गुड। आगे चलते हैं 31वां प्रश्न है, 8वां सर्ग नाटक के लेखक, 8वां सर्ग नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा, अशक, सुरेंद्र वर्मा या प्रसाद। 8वां सर्ग बहुत ही रोचक और तर्कपूर्ण नाटक माना जाता है, यह भी सुरेंद्र वर्मा। बिल्कुल सही साथियों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का ये नाटक है। ठीक है, और कालिदास की कथा है इसमें भी। ओके, आगे चलते हैं 32वां प्रश्न, भोला राम का जीव की विधा बतानी है, विधा कौन सी है?
भोला राम का जीव, ये कहानी हम पहले ही पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर। निबंध है, नाटक है, कविता है, उपन्यास है, बहुत ही व्यंग्यपूर्ण नाटक है, माफ करिएगा निबंध क्या है, निबंध है साथियों। वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल व्यंग्यपूर्ण निबंध है, और बिल्कुल व्यंग के लिए किसको जाना जाता है, हिंदी में दो ही बड़े नाम हैं, एक पहले आ जाते हैं हमारे हरिशंकर प्रसाई, और उसके बाद शरद जोशी भी आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध है भोला राम का जीव। आगे चलते हैं साथियों, 33वां प्रश्न है, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, दिनकर, अज्ञेय, हरिओद या नगेंद्र। बताएं साथियों, छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा, दिनकर, अज्ञेय, हरिओद या नगेंद्र। जी बिल्कुल साथियों, दिनकर ने कहा है, 33वें का ए, बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 34वें प्रश्न पर, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए साथियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर ट्रेजर ऑफ हिंदुस्तान में कितने कवियों को शामिल किया है, बताइए बताएं साथियों, 738, 952, 838 या 949। बताएं, जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, शाबाश। आगे चलते हैं हमारे 35वें प्रश्न पर, यह प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था साथियों, हमेशा ही परीक्षा में आता है। आगे 35वां प्रश्न है, सप्तर्षिम, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद स्पर्धा और अष्टदल एकांकी संग्रह, ये कल भी हमने पूछा था पिछले प्रश्नमाला में, तो आज भी हम लेकर आए हैं क्योंकि कठिन प्रश्न है साथियों, आपको आना चाहिए। मोहन राकेश, अश्क, गोविंददास या कमलेश्वर, या प्रश्न रिपीट कर रहे हैं जी बिल्कुल साथियों, यह उत्तर आएगा गोविंददास, वेरी गुड, ठीक है, पंडित गोविंददास जी का यह एकांकी संग्रह है ये सभी, ठीक है, 35वें का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36वां, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा, सुमन राजे, रंगी राघव या बच्चन सिंह। बताएं साथियों, कौन सा सही उत्तर होने वाला है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, नलिन विमोचन शर्मा, ठीक है। आगे चलते 37वें प्रश्न पर, हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निर्धारण चारण काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किसने किया, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के विकास क्रम का जो निर्धारण है वो चारण काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किसने किया, मिश्र बंधु, शुक्ल, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद। बताएं साथियों, कौन सा आपको सही लग रहा है 37वें का। जी साथियों, जी साथियों, बिल्कुल ये क्रियर्सन ने किया है, ठीक है, 37वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों। 38वां प्रश्न है, अभी ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है, ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है, व्योगी हरि, जहां ब्रज रतनदास को ब्रिज रतन लिख दिया, तो ध्यान से जरा, ठीक है, ब्रिज रतन आना है, ठीक है, ब्रिज, तो सही उत्तर दीजिए साथी ब्रिज रतनदास ऐसे हैं, और हरि ऐसे, ठीक है साथियों। तो बताएं, ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है, व्योगी हरि, ब्रज रतनदास, श्याम सुंदर दास या नीलाव। जी साथियों, बिल्कुल सही, ये व्योगी हरि की रचना है साथियों। आगे चलते हैं हम 39वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से देखिएगा, 39वां प्रश्न है, बच्चन सिंह के मत में आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन है, आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक, बच्चन जी के अनुसार आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन हो सकता है, या कौन है उनके अनुसार, हजारी प्रसाद वेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद वेदी या रामचंद्र शुक्ल। जी साथियों, जल्दी बताइए,
जी बहुत सही, वेरी गुड जी। साथियों बी ऑप्शन इधर राइट आंसर बाल कृष्ण भट्ट है। आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी के मत में हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? जी साथियों जल्दी बताएं, हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी है उन्होंने? जी साथियों इंदुमती, वेरी गुड, बिल्कुल उन्होंने हिंदी की पहली कहानी बिल्कुल साथियों इंदुमती मानी है। इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न आज समाप्त हुए और अभी हम आपसे अंक पूछ रहे हैं साथियों। बहुत सही साथियों, इसी प्रकार से तैयारी करते रहें, पोस्ट तो आनी है। और सिंगला साहब का बयान भी आपने सुना ही होगा एक वीडियो में कि 15 अक्टूबर से पहले हम जितनी भी पोस्टें आने वाली हैं वो जारी कर देंगे सर्कुलर, और आप भी रहेंगे लगातार पोस्टें, आपको तो पता ही है, सेंटर हेड टीचर हो चाहे हेड टीचर हो, उसके अलावा भी बैकलॉग निकाल दिया फिर से हिंदी इंग्लिश माफ़ करेगा मैथ साइंस इंग्लिश का, अभी बोलते बोलते कई बार थक जाता है बंदा। जी हाँ, और डीमोटिवेट करने वाले भी लोग हैं, जैसे यूनियन का भी पूरा जोर लग रहा है, लेकिन डीमोटिवेट करने वाले वही लोग हैं जो ETT वाले हैं, जिनको आराम से अभी पोस्टें मिल गई, आराम से नहीं कह सकते, उनका अपना संघर्ष रहा है, लेकिन अभी दूसरों को डीमोटिवेट वही कर रहे हैं जिनको जिन्होंने संघर्ष में भाग नहीं लिया और बिल्कुल उनको घर बैठे पोस्टें मिल गई। ETT के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं अभी हमारे संघर्ष को, हमारी यूनियन को, वैसा नहीं करना चाहिए। हमने बाकायदा वीडियो बनाया, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, बिल्कुल हम तो भैया मतलब अगर कोई बदतमीजी करता है कमेंट सेक्शन में आकर हम उसकी क्लास लगा ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई मेहनत कर रहे हैं लोग तो आप लोग ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं, मैं ITT वालों को बोल रहा हूँ। बिल्कुल साथी बिल्कुल सही अंक आप बता रहे हो जी, 30+ या 25+ भी हैं तो बिल्कुल सही स्कोर रहा होगा आपका। और हमेशा कहता हूँ काउंटिंग साथ में करते रहिए और MCQs देते रहिए, क्योंकि MCQs से आप परिपक्व होंगे। कंटेंट तो हर कोई याद करके बैठा हुआ है, कंटेंट हर कोई याद करके बैठा हुआ है, सबको आता है, ठीक है, सभी रचनाएं को याद करके बैठे हैं, लेकिन जो MCQs नहीं दे रहा है वो सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहा है साथियों। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत अच्छा स्कोर आप बता रहे हैं और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, बहुत सही होगा जो भी होगा आगे। धन्यवाद।